वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड विद आवर लेटेस्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है स्पार्क ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट बिल्ड एंड लेटेस्ट अपडेट। तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है एंड क्या बग्स वगैरह उनकी बात करेंगे। तो इस बार आपको एंड्रॉयड वर्जन 12L ही देखने को मिलता है, चिपसेट आपको कोना का देखने को मिलता है, वर्जन आपको 12.3 देखने को मिल जाता है और मेंटेनर का नाम आपको जैद फकरी देखने को मिलता है। सिक्योरिटी अपडेट आपका 5 मई 2022 का और कर्नल जो यूज़ किया गया वो है 4.19.241 अपस्ट्रीम्ड टू इमेंसिटी एक्स कर्नल यूज़ किया गया है। कुछ खास चेंजेस इसमें किए गए हैं, चेंज लॉक वगैरह की भी बात करूँगा लास्ट में। एंड इसमें जो बेसिक से फीचर्स हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हर एक कस्टम रूम में वो होता है, पर इसमें क्या खास है और क्या इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको दिखाता हूं और इसमें क्या बैटरी थर्मल प्रोफाइल्स वगैरह के परफॉर्मेंस वो भी आपको लास्ट में बताया जाएगा इन गेम। तो यहाँ पर आप बेंच मार्क वाले एप्लीकेशन को बेंच मार्क सेट कर सकते हो और गेमिंग वाले एप्लीकेशन पे गेमिंग सेट कर सकते हो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाएगी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इन गेम एंड इन अदर एप्लीकेशंस। तो हैवी गेम्स वगैरह के लिए आप थर्मल प्रोफाइल ज़रूर यूज़ करो, इससे आपका परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे डिस्प्ले के सेक्शन में और देखते हैं रिफ्रेश रेट जो है वो आपके क्या हाल हैं रिफ्रेश रेट के। तो रिफ्रेश रेट में इसमें भी यार एंड फायरवर्क्स का भी ऑप्शन है जो कस्टमाइजेशन का सेक्शन है उसकी भी बात करूंगा। तो यहाँ पे आपको एडाप्टिव ब्राइटनेस देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, फॉन्ट साइज़ देखने को मिलता है एंड डिस्प्ले साइज़ भी आपको देखने को मिल जाता है। देन आप डिस्प्ले के साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, और रिफ्रेश रेट भी आपको 60 to 120 ही देखने को मिलता है, रिफ्रेश रेट भी आपको ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलता है। कलर्स अडेप्टिव सेट करके रखा है मैंने, यहाँ पर रिफ्रेश आप देख सकते हो 120 हर्ट्ज ऑन है एंड FPS इन्फो का भी टॉगल इसमें नोटिफिकेशन के आइकन में ऐड कर दिया गया है। तो आपको FKM यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको FPS मीटर के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड पर ऐप रिफ्रेश रेट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यदि आप 60 पे हो और 120 पे डायरेक्ट शिफ्ट करना है तो पर ऐप रिफ्रेश रेट काफ़ी एक बेटर ऑप्शन है कि आप 60 to 120 बिना ऑप्शंस को इनेबल किए 60 to 120 का आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो 120 पे। इंक्रीज टच रेस्पॉन्सिवनेस आपको गेम में काफ़ी मदद कर देने वाला है कि आपको टच जो है वो काफ़ी जल्दी रेस्पॉन्स कर देगा। थीम्स के ऑप्शन है यहाँ पे, आपको मोनेटाइजेशन देखने को मिलता है, आइकन शेप देखने को मिलता है, आइकन स्टाइल्स देखने को मिलते हैं एंड काफ़ी ह्यूज से कस्टमाइजेशन आपको थीम्स के सेक्शन में देखने को मिलते हैं। लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी ह्यूज से कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है, जिसमें फिंगरप्रिंट, एरर वाइब्रेशन, एरर ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन एंड स्टेटस बार आइटम्स में आपको ट्रैफिक इंडिकेटर देखने को मिलता है, जिसका आप लोकेशन सेट कर सकते हो स्टेटस बार टू QS हेडर में। तो यहाँ पे स्टेटस पार्ट में भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, कलर्ड आइकन्स के, सो नोटिफिकेशंस, माइक एंड कैमरा की प्राइवेसी भी आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हो। गेस्टर्स में भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, गेस्टर्स में 3 फिंगर नेविगेशन, 2 फिंगर नेविगेशन, रीटिकर और एम्बियंट एज वगैरह भी वर्किंग है, किल ऐप बटन भी आपको इसमें मिल जाता है एंड मिसलेनियस में आपको गेम स्पेस देखने को मिलता है। तो इसमें आप गेम लिस्ट में जाके ऐड कर सकते हो और जो लेवल है आपके बैलेंस लेवल, परफॉर्मेंस लेवल, तो उसको आप लेवल 6 to 7 तक भी कर सकते हो। यहाँ पे इग्नोर विंडोज़ के भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ब्लिंक फ्लैश लाइट फॉर इनकमिंग कॉल, तो जब आपका कॉल आएगा तो ब्लिंक करेगा आपके पीछे का फ्लैश लाइट, तो इससे आपका बैटरी कंजम्पशन भी होता है एंड आपका फ़ोन एक्सपोज भी हो सकता है, मतलब कि पॉकेट में रखे हो तो आपका फ़ोन एक्सपोज हो सकता है लाइट वगैरह के कारण, तो वो भी आपको दिक्कत दे सकता है क्योंकि बैटरी काफ़ी खाएगा इसमें। तो थोड़ा सा ये प्रॉफिट वाला भी है और थोड़ा लॉस वाला भी ऑप्शन है। चेंज लॉक्स पे हम लोग आते हैं, तो चेंज लॉक में क्या क्या चेंजेस हैं इस रोम में। तो इस रोम में जो चेंजेस किया गया, जो वॉल्यूम लेवल है पैनल है उसको एक्सपेंड कर दिया गया है एंड उसके बाद न्यू आइकन्स, क्लियर ऑल का जो आइकन है जो होम स्क्रीन से आप क्लियर ऑल करते हो तो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं कि नीचे मैप का क्लियर ऑल का ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है एंड थोड़े आइकन के चेंजिंग इसमें की गई है।
फेस अनलॉक के एनिमेशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं एंड सम NPS एंड क्रैशेस वगैरह जो हैं उसको भी फिक्स किया गया है। ऐप लॉक को इम्प्रूव किया गया है इसमें और एक नया फंक्शन ऐड किया गया जो हिडन ऐप्स है। उसके बाद आपको मैक एड्रेस के फायरवॉल को भी ऑप्शन को इसमें इनेबल किया गया है एंड इसके बाद फॉरवर्ड पोर्टेड कस्टम क्लॉक स्टाइल्स टू A12। तो इसका मतलब बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं इसमें एंड कुछ एनिमेशन वगैरह उसको भी स्पीड कर दी गई है एंड उसके बाद आपको मैक एड्रेस का फायरवॉल तो ऐड किया ही गया है, बस उसके बाद आपको टॉगल भी ऐड किया गया है कलर कोडेड बैटरी इंडिकेशन के लिए। तो भाई काफ़ी ह्यूज से चेंजेस किए गए हैं इस रोम में। उसके बाद फिर आपको मिल जाता है स्मार्ट चार्जिंग के भी ऑप्शन हैं जिसमें दिए गए हैं और पहली बार शायद इसमें दिया गया क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड स्मार्ट चार्जिंग इसमें लिखा आ रहा है, तो स्मार्ट चार्जिंग भी इसमें इनेबल कर दिया गया है। यहाँ आप नीचे देख सकते हो इंपॉर्टेंट मेनी परफॉर्मेंस ट्विक्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस फ्रॉम प्रोटोन AOSP। तो भाई कुछ प्रोटोन AOSP से जो परफॉर्मेंस है उसको ट्विक्स करके ऑप्टिमाइज करके इस कस्टम रोम में ऐड कर दिया गया है एंड उसके बाद आपको पिक्सेल प्रॉप्स यूटिल्स वगैरह को अपडेट कर दिया गया है। बाकी सारे भी आपको देखने को मिलते हैं, मस्ट न्यू ट्रांसलेशंस वगैरह ऐड किए गए हैं। उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस्ड एन ऑप्शन टू सेलेक्ट QS ट्रांसपेरेंसी इसमें QS का ऐड किया गया एंड एडिट द एबिलिटी टू यूज कस्टम थीम्ड। तो भाई बहुत सारे मतलब कि चेंजेस किए गए हैं। आपको स्पार्क लॉन्चर पे आ गया है, लॉन्चर 3 बेस्ड है एंड उसके बाद और भी थोड़े बहुत इसमें चेंज हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है इंट्रोड्यूस्ड मॉनिट कलरिंग फ्रॉम पिक्सल, इंट्रोड्यूस्ड OTA अपडेट, तो भाई OTA अपडेट भी मिलेगा आपको OTA अपडेटर से एंड इंट्रोड्यूस्ड आवर वेरी ऑन स्पार्क रिकवरी। तो भाई एक स्पार्क रिकवरी भी इसमें आपको मिल जाता है, स्पार्क का खुद का रिकवरी मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इतने सारे चेंज लॉक किए गए हैं, तो होप कि आपको ये कस्टम रोम में जो थोड़े बग्स जो मिले थे वो आपको क्लियर हो गए हों और क्या क्या चेंजेस है वो भी मैंने आपको दिखा दी। तो अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे स्कोर्स पे, बेंचमार्क एप्लीकेशंस के स्कोर्स पे। तो अंतुतु का आप जो स्कोर देख पा रहे हो वो कुछ इस प्रकार है, 5,43,806 आपको अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है। स्वामी जीएम 1910.17 देखने को मिल रहा जो कि मैंने रूट करके 90 FPS का मॉड्यूल लगाया है जिस कारण से इसका जीएम 1917 देखने को मिल जाता है। अंतुतु स्कोर आपको काफ़ी डाउन मिल रहा है मैं जानता हूँ क्योंकि इसमें आपको थोड़े अनस्टेबिलिटी अभी भी देखने को मिलती है, लेकिन गीगबेंच 5 के स्कोर में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। गीगबेंच 5 में सिंगल कोड के जो स्कोर हैं वो आपको 978 और मल्टी कोड भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, वो है 3,193। तो दोनों स्कोर काफ़ी अच्छी है गीगबेंच 5 में एंड CPU थ्रॉटल भी काफ़ी मस्त आपको दिया गया। CPU थ्रॉटल भी आपको 95% तक ही होता है और एवरेज जो मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो 222,271 एंड एवरेज आपको 215,158 GIPS और मिनिमम आपको 194,709 GIPS मिलता है। बाकी गेम के लिए आपको मैजिक में 90 FPS का मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट गेम प्ले पे एंड देखते हैं गेम प्ले। अभी आप लोग देख पा रहे हो कि FPS जो है काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, बट जैसे ही डाउन जंप करोगे तो आपको FPS का अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ कितने तक ये शटर और रेंडर करता है। जैसे मैंने यहाँ पर जंप किया तो 75 तक डाउन हुआ है, बट अभी तो स्टार्टिंग हुई भाई डाउन करने की FPS की, तो अब देखते हैं नीचे जाके। FPS जो है काफ़ी डाउन हो रहा है, अभी 61 हुआ, 64, मतलब कि 90 FPS पे भी आपको 70 तक ही FPS देखने को मिल रहा है। तो भाई पिछले बार के अपडेट में आपने देखा था भाई 85 टू अबव ही आपको परफॉर्मेंस मिलता था, बट इस बार थोड़ा तब्दीली की गई है और परफॉर्मेंस को थोड़ा जो ट्विक करके प्रोटोन OSP से लिया गया तो वो आपको काम इसमें करता नहीं दिख रहा है। तो परफॉर्मेंस में काफ़ी डिग्रेड हो गया ये स्पार्क ऑपरेटिंग सिस्टम जितना ये पिछले वाले अपडेट में है। अभी मारा का नहीं आओ, ये नीचे आओ।
हरी 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 भाई डैमेज आप हो फूल पर बंदा बंदा मिटलो बंदो क्या कर अंदर आवाज आ पगला आवे ऊपर है ऊपर गाड़ी आई अरे ऊपर बंदा है ऊपर दो दो बंदे हैं छत पे इधर पे दो दो बंदे हैं कौन सी वाली ये जिसमें हूँ ये पे ऊपर 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 mark the location ये मेरा किल ले गया अगर जो आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है वो आपको पिछले वाले अपडेट से थोड़ा खराब ही देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो आप यदि यूज़ करना चाहते हो कि आप आपको क्यों कौन से वर्जन को कॉम्पिटिटिव गेम के लिए और हार्डकोर गेमिंग के लिए यूज़ करना है तो आप पिछले वाले स्पार्क ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि वही जो है अभी तक स्टेबल है और इसमें थोड़े और चेंजेस की ज़रूरत है और अपडेट का भी ज़रूरत है इसमें। तो यदि आप अच्छा गेम प्ले करना चाहते हो हार्डकोर गेम प्ले तो आप पुराने वाले स्पार्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही जाओ, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी है और कस्टमाइजेशन भी सेम आपको देखने को मिलता है, बट हाँ परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इस वाले के लिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा गेमिंग के लिए क्योंकि मैं बग देख रहा हूँ इसमें और आपको 70, 68, 67, 59 आपको डाउनग्रेड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है FPS में, 54 तक जा रहा है 90 FPS पे, तो ये काफ़ी मतलब कि अपडेट की ज़रूरत है, इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने की भी ज़रूरत है एंड परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड आपको भी देखने को मिल जाता है। तो भाई आपको चाहिए यदि एक गेमिंग कस्टम रोम तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है कि आप यूट्यूब पर जाकर वो प्लेलिस्ट चेक करते हो जिसमें सारे गेमिंग रोम्स के एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, तो उसमें भी जाके आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा गेम का जो गेम प्ले के लिए कस्टम रोम कौन सा अच्छा है, कौन से कॉम्पिटिटिव के लिए है एंड सब सारे मैंने उसमें बता रखे हैं, डाउनलोड लिंक्स भी हैं एंड कैसे इस कस्टम रोम को भी इंस्टॉल करना है, किसी भी कस्टम रोम को इंस्टॉल करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई तब तक के लिए इतना ही एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पागल पागल हो गया क्या।